मैं जयपुर बोल रहा हूँ। मेरा इतिहास आज से सदियों पुराना है। जब इस सत्र में मुगल अपनी ताकत खोने लगे, तब राजपुताने की आम रियासत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रही थी। मेरी स्थापना विद्याधर भट्टाचार्य नामक एक बंगाली ब्राह्मण की थी। आमिर रियासत की नई राजधानी बनाने की कल्पना महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी, जिन्होंने मुझे 9 खंडों में बसाया था। इसमें मेरे 2 खंड राजमहल तथा वेधशाला के लिए रखे गए थे। सूरज पोल से चांद पोल तक की सड़क 2 मील लंबी और इसकी चौड़ाई 120 फीट है। महाराज सवाई जयसिंह विद्वान होने के साथ ही ज्योतिषी भी थे। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को रोकने का प्रयास महाराज सवाई जयसिंह द्वारा किया गया था। यह वही कछुआ वंश है जो राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंश कुशवा कहलाए। किले के चारों तरफ मजबूत परकोटे का निर्माण किया, जिसकी दीवार 24 फुट ऊंची तथा 9 फीट चौड़ी है। मेरे परकोटे पर 7 द्वारों का निर्माण किया गया था। नियोजित तरीके से बसाए गए महाराज के महल पौधेदारों की हवेली बाग बगीचे ही नहीं बल्कि आम नागरिकों के आवास और राजमार्ग भी बनाए गए थे। इसके अलावा कुछ गलियों का और सड़कों का निर्माण वास्तु के अनुसार एवं ज्यामिति के तरीके से किया गया था। सन 1876 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस वेल्स युवराज एल्बर्ट मुझे देखने आने वाले थे। मेरे महाराज सवाई जयसिंह इनके स्वागत की तैयारी में जुटे थे। इनके स्वागत में मुझे दुल्हन की तरह सजाया गया था। महाराज सवाई राम सिंह के मन में आया, क्यों ना पूरे शहर को एक रंग में रंग दिया जाए। उन्होंने इस बात को लेकर सभा भी आयोजित की थी, जिससे पूरे शहर को गुलाबी रंग दिया गया। उसके बाद से मैं गुलाबी हो गया और बाद में चलकर मुझे गुलाबी शहर कहा गया। मैं पर्यटन स्थल आकर्षण का केंद्र हूँ, जिसमें मुख्य रूप से जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, श्री लक्ष्मी जगदीश महाराज मंदिर, बीएम बिड़ला, तारामंडल, आमिर का किला, जयगढ़ का दुर्ग, जहल महल आदि शामिल हैं। अब मैं आपको एक एक कर अपने बारे में बताने वाला हूं। नंबर 1, जंतर मंतर। जयपुर का जंतर मंतर सवाई जयसिंह द्वारा 1724 से 1734 के बीच निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। इस वेधशाला में 14 प्रमुख यंत्र, जो समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति एवं स्थिति जानने, सौरमंडल के ग्रहों के दिक्पात जानने आदि में सहायक है। इन यंत्रों को देखने से पता चलता है कि भारत के लोगों गणित एवं खगोल के जटिल संकल्पनाओं का इतना गहन ज्ञान था कि वे इन संकल्पनाओं को एक शैक्षणिक वेधशाला का रूप दे सके, ताकि कोई भी उन्हें जान सके और उसका आनंद ले सके। नंबर 2, हवा महल। हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे सन 1799 महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकला लाल चंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया। इसकी अद्वितीय 5 मंजिला इमारत, जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है, बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है, जिसमें 953 बेहद सुंदर और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोका कहते हैं। इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे मूल भावना यह थी कि बिना किसी निगाह पड़े पर्दा का सख्ती से पालन करती राजघराने की महिलाएं इन खिड़कियों के महल के नीचे सड़कों के समारोह व गलियार में होने वाले रोजमर्रा की जिंदगी गतिविधियों का अवलोकन कर सकें। इसके अतिरिक्त बेंचोरी प्रभाव के कारण इन जटिल संरचना वाले जालीदार झरोके से सदा ठंडी हवा महल के भीतर आती रहती है, जिसके कारण तेज गर्मी में महल सदा वातानुकूलित सा ही रहता है। नंबर 3, सिटी पैलेस। सिटी पैलेस जयपुर राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथा पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक महल परिसर है। गुलाबी शहर जयपुर के बिल्कुल बीच में स्थित है। इस खूबसूरत परिसर में कई इमारतें, विशाल आंगन और आकर्षण बाग है, जो इसके राजसी इतिहास की निशानी है। इस परिसर में चंद्र महल और मुबारक महल जैसे महत्वपूर्ण भवन भी हैं। पिछले जमाने की कीमती सामान को यहाँ संरक्षित किया गया है। इसके महल के छोटे से बाग को संग्रहालय और आर्ट गैलरी में तब्दील किया गया है। महल की खूबसूरती को देखने के सैलानी दुनिया भर से हजारों की संख्या में सिटी पैलेस में आते हैं। नंबर 4, गोविंद जी का मंदिर। भगवान कृष्ण का जयपुर का सबसे प्रसिद्ध बनशंकर का मंदिर यह चंद्र महल के पूर्व में बने जय नवास बगीचे मध्य अहाते में स्थित है। संरक्षक देवता गोविंद जी की मूर्ति पहले वृंदावन के मंदिर में स्थापित थी, जिसको सवाई जयसिंह ने द्वितीय ने अपने परिवार के देवता के रूप में यहां पुनः स्थापित किया था। भगवान श्री कृष्ण के प्रपोत एवं मथुरा के राज ब्रजनाथ ने अपनी माता से सुने गए भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के आधार पर 3 विग्रहों का निर्माण करवाया। इनमें से पहला विग्रह गोविंद जी का है, दूसरा विग्रह जयपुर के श्री गोपीनाथ जी का है और तीसरा विग्रह श्री मदन मोहन जी करौली का है।
नंबर 5 आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग के बसने से पहले यहाँ मीणा जनजाति के लोग रहते थे, जिन्हें कछवा राजपूतों ने अपने अधीन कर लिया, जिस पर कालांतर में कछवा राजपूत मानसिंह प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। यह दुर्ग व महल अपने कलात्मक विशुद्ध हिंदू वास्तु शैली के घटकों के लिए भी जाना जाता है। दुर्ग की विशाल प्राचीरों और द्वारों की श्रृंखलाओं पर पत्थर के बने रास्तों से भरा है दुर्ग पहाड़ी के ठीक नीचे बने मापठा सरोवर से देखता हुआ प्रतीत होता है। लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर से निर्मित आकर्षण एवं भव्य दुर्ग पहाड़ी के 4 स्तरों पर बना हुआ, जिसमें प्रत्येक में विशाल प्रांगण है। इसमें दीवाने आम अर्थात जनसाधारण का प्रांगण, दीवाने खास अर्थात विशिष्ट प्रांगण, शीश महल या जय मंदिर एवं सुख निवास आदि भाग है। सुख निवास भाग में जल धाराओं से कृत्रिम रूप से बना शीतल वातावरण यहाँ की भीषण गर्मी ऋतु में आनंदमय होता है। यह महल कछवा राजपूत महाराजा एवं उनके परिवार का निवास स्थान हुआ करता था। जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में अरावली पर्वत में चील का टीला ईगल की पहाड़ी पर आमेर दुर्ग एवं मामला झील की ऊपरी ओर बना किला है। इस दुर्ग का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने 1667 ईसा में आमेर दुर्ग एवं महल परिसर की सुरक्षा हेतु करवाया था और इसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। जयगढ़ दुर्ग को जीत का किला भी कहा जाता है। यह दुर्ग आमेर में स्थित है। जयपुर शहर सीमा में यह किला 1726 में बनकर तैयार हुआ था। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। रामगढ़ झील। पहले से ही खूबसूरत जयपुर शहर की खूबसूरती में यह झील 4 चांद लगाती है। जयपुर सैलानियों द्वारा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला यह शहर है, जो अपने आप अति समृद्ध वस्तुकला की गौरवशाली विरासत समेटे हुए है। यह झील जयपुर की सुंदरता को बढ़ाकर इसे रेगिस्तान का स्वर्ग बना देती है। रामगढ़ झील एक विशाल मानव निर्मित झील है, जो जयपुर का मशहूर पिकनिक स्थल है। रामगढ़ झील जयपुर से पूर्व उत्तर दिशा 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस झील को देखने आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का महीना है। यहाँ आप पूरे किले के अवशेषों और ज्वाला माता का मंदिर भी देख सकते हैं। क्या आप जयपुर जाना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।